अहम तहलका न्यूज और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अंबाला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इन 24 घंटों में 17 लोगों ने कोरोना को मात देकर सकुशल अपने घर लौटे हैं। तो इसके साथ ही 169 नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 30,703 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो है जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 30,703 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है। आपको बता दें कि अंबाला सिटी से 69 मामले सामने आए हैं, अंबाला कैंट से 65, चौड़मस्तपुर से 21 नए मामले सामने आए हैं, नारायणगढ़ से 1, शहजादपुर से 3, बराड़ा से 1, मुलाना से 9 मामले सामने आए हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 17 लोगों ने कोरोना को मात देकर सकुशल घर भी लौटे हैं। आपको बता दें कि जिले में 169 नए मामले सामने आने के बाद अब कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 30,703 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं। और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अंबाला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें 24 घंटों में 17 लोगों ने कोरोना को मात देकर सकुशल अपने घर लौटे हैं। तो इसके साथ ही 169 नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 30,703 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो है जिले में कोरोना मरीज जो की संख्या 30,703 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है। आपको बता दें कि अंबाला सिटी से 69 मामले सामने आए हैं, अंबाला कैंट से 65, चौड़मस्तपुर से 21 नए मामले सामने आए हैं, नारायणगढ़ से 1, शहजादपुर से 3, बराड़ा से 1, मुलाना से 9 मामले सामने आए हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 17 लोगों ने कोरोना को मात देकर सकुशल घर भी लौटे हैं। आपको बता दें कि जिले में 169 नए मामले सामने आने के बाद अब कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 30,703 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अंबाला से आ रही है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं।